जय हिंद दोस्तों, मैं भूपन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी जो आपकी पिछली वैकेंसी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की निकली हुई थी उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम कंप्यूटर के सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप देख सकते हो, सेक्शन पार्ट डी, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। तो आपका दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 10 अंक का कंप्यूटर पूछा जाता है। अगर आप 10 में से 8 या 9 या 10 में 10 प्रश्न लाना चाहते हैं तो यह प्रीवियस ईयर का पेपर जरूर सॉल्व करें, क्योंकि अगर आप यह प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करोगे तो इसका फायदा यह होगा कि आपको आसानी से पता चल जाएगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका लेवल क्या रहता है तथा किस किस टॉपिक से आपके कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो वैसे ही आप रणनीति बना सकते हो, वैसे ही आप तैयारी कर सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछ जाते हैं। मैं जितना भी प्रीवियस ईयर के पेपर कराया हूँ उसका मैं आपको खुद का एक्सपीरियंस भी बताऊंगा। इसके अलावा अगर आप जीके जीएस, रीजनिंग और कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के पेपर देखना चाहते हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एसएससी जीडी की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी प्रीवियस ईयर के पेपर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल 2007 में एक मान्य फॉर्मूला नहीं है? तो आपके कोई तीन जो है वो आपके मान्य फॉर्मूले हैं, जो एक नहीं है मान्य फॉर्मूला वो आपको बताना है। तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन फोर देखिए आपका सुमेध, कौन सा? SUMADD, ये आपका मान्य फॉर्मूला नहीं है। तो ऑप्शन फोर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न आपका इंटरनेट चैप्टर से, इंटरनेट टॉपिक से। ठीक है, कंप्यूटर में आपके बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे कि आपका इंटरनेट, MS Excel, MS Word, ठीक है ना, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं। तो देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सेवा का सबसे धीमा प्रकार है? तो कौन सा है वो? है आपका डायल अप। कौन सा? डायल अप। डायल अप जो है वो आपका सबसे धीमा प्रकार है। तो ऑप्शन वन बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा सेटेलाइट, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन और आपका 3G 4G, ये आपका बहुत तेज आपका सेवा है, ठीक है ना, इंटरनेट से बहुत तेज चलती है इसमें, लेकिन डायल अप में बहुत धीमी चलती है। तो ऑप्शन वन बिल्कुल सही होगा। तो इसमें अधिकतर जो आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे वो आपको MS Excel और MS Word से देखने को मिलेंगे। ये देखिए आप पहला प्रश्न देखिए MS Excel से है, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न देखिए आपका MS Excel से है। अगला देखो, MS Excel शीट में एक सेल एड्रेस किससे मिलकर बना होता है? तो जो आपका MS Excel है उसमें जो आपका, अगर आप MS Excel खोलोगे तो उसका जो आपका एक सेल एड्रेस होता है वो आपका सेल के कॉलम और रो से मिलकर बना होता है। किसके? सेल के कॉलम और रो से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन वन बिल्कुल सही होगा। अगर आपको किसी का, जैसे मान चलो कोई व्यक्ति है, उसकी आपको कोई बहुत सारे व्यक्ति है, मान चलो आपको उसकी कंपनी में कर्मचारी, उनकी सैलरी आपको बनानी है, ठीक है ना, सैलरी बनानी है, उसका नाम डालोगे यहाँ पर, ठीक है, अनुक्रमांक डालोगे, ड्यूटी डालोगे, सैलरी डालोगे, छुट्टी भी डालोगे, ठीक है, तो इसमें आपका सेल के कॉलम और रो होते हैं। तो ऑप्शन वन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। MS Word और एक्सेल जो है आपके ऑफिस वर्क के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला देखो प्रश्न MS Word से, तो आपका ये तीसरा प्रश्न है, MS Word है तो चौथा प्रश्न, मतलब MS Excel और MS Word और MS Excel से तीसरा प्रश्न देखो। MS Word 2007 के डॉक्यूमेंट के हाइपरलिंक प्रविष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो अगर आपको डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक प्रविष्ट करना है तो हम क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस के दबाएंगे। कौन सा? Ctrl+K। तो ऑप्शन वन बिल्कुल सही होगा, Ctrl+K। तो आपको पता है जो आपकी शॉर्टकट की है ए से पूरी जेड तक, वो आपको शॉर्टकट की अच्छे से पढ़ लेनी है, जैसे कट कॉपी पेस्ट की हो गई, ठीक है ना। तो कट कॉपी पेस्ट की क्या होती है? कट की आपको सभी को पता है, कंट्रोल प्लस एक्स होती है, और कॉपी के लिए आपकी होती है Ctrl+C होती है, और आपकी पेस्ट के लिए होती है आपकी +B, क्या होती है? Ctrl+B, ठीक है। एक आपकी कट कॉपी पेस्ट की प्रश्न में पूछी जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अग्निबॉक्स, ओमनी बॉक्स लागू करने वाला पहला वेब ब्राउजर डैश था, तो कौन था वो?
वो है आपका गूगल क्रोम। सभी लोग जानते हैं इसको, ठीक है, सभी के मोबाइल में मिलेगा। तो अग्निबॉक्स से लागू करने वाला पहला वेब ब्राउजर गूगल क्रोम था। तो ऑप्शन टू आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखेंगे, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए, मतलब ए बी सी डी मान के चिल्ला लिख दिया आपने, या कोई नाम लिख दिया, भूपेंद्र लिख दिया, नरेन लिख दिया, अगर आपको इसका रंग बदलना है, टेक्स्ट का रंग बदलना है, बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करेंगे। तो अगर आपको रंग बदलना है तो आप फॉन्ट कलर का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, फॉन्ट कलर का, ठीक है। तो ऑप्शन टू बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आपको कलर बदलना है, तो ऑप्शन टू बिल्कुल सही होगा। अगला देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी यूज टू चेंज द कॉलम विथ ऑफ ए टेबल इन एम एस वर्ड। अगर आपको कॉलम चेंज करना है एम एस वर्ड में, तो कौन सा ऑप्शन दबाओगे। तो अगर आपको एम एस वर्ड में कॉलम को चेंज करना है, तो आप रूलर का जो ऑप्शन है, रूलर का जो विकल्प है, उसका प्रयोग करोगे। तो ऑप्शन फोर आपका बिल्कुल सही होगा, रूलर ऑप्शन का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आइकन, ठीक है ना, जो आपका ये होता है ना, ये आपका आइकन कहलाता है, ठीक है ना, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग आइकन इज यू टू एड एन अटैचमेंट टू एन ईमेल। तो इसका राइट आंसर है आपका, ठीक है, इसको ट्रांसलेट कर लेना, थोड़ा हम अंग्रेजी में कमज़ोर है, तो हमको अच्छी अंग्रेजी नहीं आती है, तो क्यों यार ज़्यादा बनने, जो आपको नहीं आता तो साफ बोलो, ठीक है। तो इसको ट्रांसलेट कर लेना, तो इसका राइट आंसर होगा पेपर क्लिप आइकन, क्या होगा, पेपर क्लिप आइकन। तो ऑप्शन टू बिल्कुल सही होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, एक सक्रिय सेल को वर्तमान रो पर पहले कॉलम में ले जाने या मूव करना माना ले जाना ही होता है, मूव करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग करेंगे, तो दोस्तों हम होम का प्रयोग करेंगे, किसको, होम, ठीक है। तो ऑप्शन थ्री आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न और आखिरी, क्योंकि आपका कंप्यूटर इसमें क्या होता है कि 10 अंक का पूछा जाता है, ठीक है। तो डैश एम एस वर्ड 2007 में ऑफिस बटन का एक मान विकल्प नहीं है। तो ऑफिस बटन का एक मान विकल्प नहीं है, कौन सा नहीं है, वो है आपका प्रेजेंटेशन, क्या नहीं है, प्रेजेंटेशन। बाकी आपका प्रिंट, शेप, सेवेज, ये सब आपका ऑफिस बटन में आपके दिए रहते हैं, लेकिन आपका प्रेजेंटेशन जो है वो नहीं है। तो ऑप्शन वन आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये थे आपका दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल पूछ गए जी कंप्यूटर के 10 प्रश्न। वीडियो कैसे लगा है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, किस स्टेट से देख रहे हो उसका नाम भी जरूर लिख सकते हो। इसके अलावा कुछ डाउट हो तो ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। और आपके जो अधिकतर टॉपिक हैं वो आपका एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल से पूछ जा रहे हैं, तो आपको ये दो टॉपिक अच्छे से कवर कर लेने हैं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लाइक करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप ऐसी ही इन्फॉर्मेशन चाहते हो। तो जय हिंद।